तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक को ऐप के बारे में, जो कि इंडिया की ऐप है, या बोल सकते हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत इस ऐप को लॉन्च किया गया था। को ऐप दोस्तों, इस को ऐप की खासियत यह है कि दोस्तों ये बिल्कुल ट्विटर की तरह ऐप है। आप इसमें जैसे ट्विटर पर ट्वीट कर सकते थे, यहां पर भी शायद इसको को या क्या बताने क्या नाम दिया गया है, इसको जाके ओपन करके देखेंगे तो क्या नाम दिया गया वो देखते हैं दोस्तों। तो यहां पर भी आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, फिल्म स्टार्स को या पॉलिटिशियन को फॉलो कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग अभी इसको ज्वाइन कर भी चुके होंगे। अगर आपने देखेंगे ट्विटर पे जाके तो आपको पता चलेगा कि ये ऐप बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे हो रही है, और ये जो भी हैशटैग है को ऐप, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में हो रहा है। बहुत सारे पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट ऑफिसर एंड बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं को ऐप को। दोस्तों ये को ऐप की सबसे खास बात यह है कि दोस्तों आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर एप्स चैलेंज में ये ऐप विन होके आई थी, उसके तहत इस ऐप का बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया। ये ऐप तो पहले से ही चल रही है, बस अभी ट्रेंडिंग में आ गई है को ऐप। तो दोस्तों इसकी आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे, कैसे अपनी आईडी बना पाएंगे और कैसे इसको यूज करेंगे, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। एक खास और बात दोस्तों, ट्विटर पे क्या होता था, आप सिर्फ इंग्लिश में ट्वीट कर पाते थे, बट इस ऐप में आप बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको यूज़ कर पाएंगे। अभी इसमें कुछ लिमिटेशन है, 4 या 5 इसमें लैंग्वेज सपोर्ट करता है। आने वाले टाइम में सारी लैंग्वेज में सपोर्ट होने वाली है, तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको लॉगिन करेंगे और कैसे इसको यूज़ करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरो और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों कैसे हैं आप, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों इस चैनल पर आपको मिलेंगी ऑल टेक्निकल रिलेटेड वीडियोज़ और भी बहुत कुछ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी मिलते रहे। तो थैंक यू। जाना है मोबाइल के प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको ऊपर लिखना है को ऐप, तो आपको ऊपर मिल जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर मिल रहा है आपको को कनेक्ट विद इंडियन एंड इंडियन लैंग्वेजेस, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और अगर आप इस ऐप के अंदर जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पर 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है इस ऐप के। आपको नॉर्मली इसका ऐप को कर लेना है डाउनलोड, डाउनलोड करने के बाद आपको कर लेना है इस ऐप को ओपन। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, बाय ईमेल और बाय फोन नंबर। तो आप जैसा चाहें आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ बाय फोन नंबर, तो मैं इसको फोन नंबर से लॉगिन कर लेता हूँ। आपको नॉर्मली यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर ओटीपी के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं चला गया। अब जैसे ही ओटीपी आएगा और ये नंबर आगे प्रोसेस हो जाएगा, तो नंबर ओटीपी आते ही ऑटोमेटिक यहाँ पर डल चुका है और उसके बाद ये लॉगिन के लिए चला गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपसे बोल रहा है प्रोफाइल पिक्चर सेट करिए या प्रोफाइल पिक्चर अपनी लगा लेने के लिए बोल रहा है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको देना है इसको एक्सेस के लिए देना होगा और यहाँ पर आपको प्रोफाइल क्लिक के लिए देना होगा। तो यहाँ पर मैं अपनी कोई की भी फोटो क्लिक करके यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ मैं अपनी वाली फ़ोटो लगा ली मैंने, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैं यहाँ पर पूरा सेटअप बता देता हूँ। यहाँ पर आपको फ़ोटो क्लिक करके लगा देना है और यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर इजीली आप इसको लॉगिन कर चुके हैं या लॉगिन हो गए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर देता हूँ ताकि कोई और दूसरे मैसेज नहीं आए। तो आप देखेंगे यहाँ पर अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ और ताज़ा फीड यहाँ पर लोड हो रहा है। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग में जाना है। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं गेस्ट के हिसाब से मेरा दिख रहा है, क्योंकि मैंने अभी गेस्ट से लॉगिन करा है, मतलब लॉगिन जो हुआ है बाय डिफॉल्ट गेस्ट हो गया। तो आप इसको अपनी प्रोफाइल को एडिट करना है तो आपको जाना है एडिट वाले प्रोफाइल पे। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को लगाना है, जो कि मैं लगा चुका था बट यहाँ पर अपडेट नहीं हुई किसी वजह से, तो उसको दोबारा सेट कर देते हैं। आप देखें अब यहाँ मैंने फोटो लगा दिए, उसके बाद यहाँ पर पूरी नेम डिटेल भरना है आपको। यहाँ नेम डालना है, ऊपर आ गया है मेरा, अपना हैंडल लिखे मतलब अपना जो भी चैनल का नाम या अपना पेज का नाम जो लिखना है या ट्विटर अकाउंट का नाम, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एस ए टैग, जो कि मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया है। और जो भी अवेलेबल है तो मैं उसको कर लेता हूँ चेंज को सेव, मतलब जो भी अकाउंट यहाँ पर अवेलेबल होगा तो आपको मिल गया है। यहाँ आपको अपनी प्रोफाइल्स करना है, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ यूट्यूबर, तो ये यूट्यूबर आ चुका है, इसको मैं यहाँ पर डाल दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको अकाउंट आपको ऐसा क्रिएट करना होगा इंडिविजुअल जाके, तो पूरी डिटेल को आपको एक एक करके यहाँ पर सेव करना होगा। यहाँ पर आप चाहे तो अपना स्थान उठा सकते हैं या डाल सकते हैं, नहीं तो आप नहीं डालना चाहते। मैंने उसको एक्सेस दे दिया तो ऑटोमेटिक फीड हो जाएगा। यहाँ पर अपनी राय चुने, यहाँ पर अपने बारे में कुछ लिखना हो, इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बायो,
डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, या मेरी ये अब लिंक आ गया है, मैं इसको कहीं भी शेयर करूंगा तो यहाँ पर ईजी हो जाएगा, नीचे मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है या मेल कर दिया है, और यहाँ पर मैं उसको शेयर अपना शेयर भी कर सकता हूँ, फेसबुक अकाउंट भी लिंक कर सकता हूँ, ट्विटर भी, लिंकडइन भी, और यूट्यूब अकाउंट भी लिंक कर सकता हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी, तो ये मैं बाद में बता दूंगा कैसे लिंक करते हैं, इसके लिए आपको कर देना है बैक। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे अकाउंट क्रिएट हो गया है और ऐसे टैग यहाँ पर आ चुका है। यहाँ आप सेटिंग में जाएंगे तो आप अपने भाषा को चुन सकते हैं, आप कौन कौन सी भाषा में इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये मैंने इसको हिंदी पहले कर लिया था, गलती से इसलिए आ गया, मैं इसको कर लेता हूँ इंग्लिश। इंग्लिश पे आप देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश हो चुका है। यहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे वापस, मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। यहाँ जाएंगे, यहाँ सेटिंग में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, शेयर योर को अप्लाई को प्रोफाइल, मैनेज ब्लॉक्ड यूज़र, अप्लाई फॉर वेरीफाइड अकाउंट, ऐड अकाउंट, मैनेज अकाउंट, एंड इतने सारे आपको चीज़ें दिख रही हैं। आप व्हाट्सअप अपडेट भी यहाँ पर क्या है, ये नया ऑप्शन दिया गया है, व्हाट्सअप अपडेट करके व्हाट्सअप पे आप अपडेट ले सकते हैं इसके द्वारा जो भी नए अपडेट आएंगे। तो इसको कर दिया यहाँ से पूरे तरीके से लॉग इन। अब आप देखेंगे यहाँ पर होम पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ बाहर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर नए फीड दिख रहे हैं, आप देख रहे होंगे, आपको ये लोगों के नाम दिख रहे होंगे प्री सजेशन में, ये फीड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पीपल्स में जाएंगे तो आपको पीपल्स मेल नाउ में मिल जाएंगे, मतलब जिनको आपको सर्च मारना हो, जैसे रिपब्लिक आ गया है यहाँ पर, ये कुछ बड़े बड़े लोग यहाँ पर आपको दिखने लग गए होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, या फिर जो भी आपके आसपास से हिसाब से ये दिखा रहा है आपको। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने अकाउंट पहले से ही क्रिएट करके रखे होंगे। या हैशटैग पे जाएंगे तो जो भी हैशटैग अभी इसमें ट्रेंडिंग चल रहा होगा, जैसे लाइक ट्विटर पर होता है तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है भारतीय सोशल मीडिया आपको दिख रहा होगा, बैन ट्विटर, ये सब यहाँ पर ट्रेंडिंग में चल रहा है तो इसलिए आपको यहाँ पर दिख जाएंगे इतने सारे। उसके बाद यहाँ सर्च पे जाएंगे तो आप सर्च कर सकते हैं कुछ पीपल को, हैशटैग को या को, तो यहाँ आपको जिसको सर्च मारना हो तो यहाँ पर आप सर्च मार सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे और वो सर्च हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सर्च कर सकते हैं हैशटैग और को पे प्रोफाइल भी। उसके बाद यहाँ पर आएंगे आपको मैसेज पे, तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल मैसेज मिल जाएंगे, किसी ने आपको फॉलोइंग के मैसेज करे हैं या जिन्होंने मैसेज करे होंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके बाद यह नोटिफिकेशन में आएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपको कोई ट्वीट को पोस्ट करना है या फिर बोल सकते हैं कुछ पोस्ट करना है आपको यहाँ पर, तो आपको यहाँ जाना है को पे, को लिखा हुआ है यहाँ, को पे जाएंगे, आपको यहाँ पर डालना है व्हाट्स योर माइंड, आपको यहाँ पर डालना है, और एट द रेट लगा के आप जैसे वहाँ पर ट्विटर पर टैग कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप किसी को भी टैग कर पाएंगे उनकी आईडी डाल के। तो यहाँ पर वीडियो भी पोस्ट कर सकते हैं, ऑडियो भी डाल सकते हैं, यहाँ पर ये डाल सकते हैं। तो ये ऐसे वर्क करता है दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।